तो गाइस OB39 के पार्ट नंबर 7 वाले वीडियो में आपको स्वागत है। और आज के भी इस वीडियो में हम आपको फ्री फायर में जितने भी और भी बड़े बड़े अपडेट आए हैं जो OB39 के रिलेटेड हैं, उसका टॉप 10 बेस्ट अपडेट बताने वाला हूं। अभी तक मैंने जितने भी पार्ट 1 से लेकर 6 तक बताया है, उसके बाद जो भी चीज़ें आई है उसका मैं आपको यहाँ पर और भी 10 बड़े अपडेट बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा OB39 में और भी अपडेट आए हैं जो कि यहाँ पर खुलासा हुआ है और यहाँ पर लीक्स आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखना फिर से, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपको OB39 के टॉप 10 बेस्ट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर टेन पे जो अपडेट निकल के आई है वो एक न्यू ग्लूवल। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे वुडन करके ग्लूवल का नाम है जो आपके सामने कुछ इस तरह से नजर आएगा। OB39 के बाद ये ग्लूवल हमारे गेम में देखने को मिलेगा, या तो ये टॉपर बैंड में दिया जाएगा या तो यहाँ पे फेडेड व्हील में दिया जाएगा, क्योंकि आपके बाद यहाँ पे फेडेड व्हील में भी यहाँ पे ग्लूवल दिया जाने लगा है। ठीक है, तो ये वाला इवेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर एक इवेंट आएगा जो कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपको मिशन दिया जाएगा और ये चीज़ यहाँ आपको फ्री में भी मिलने की आशंका है। ठीक है, तो ये ग्लूवल OB39 के अपडेट के बाद कुछ ना कुछ चीज़ों में इवेंट में देखने को मिल जाएगी। अपडेट नंबर 9, इस अपडेट में आपको यहाँ पे जब भी यहाँ पे रिवाइव करते थे तो उस समय जो है ना अलग तरीके का नाम शो होता था और वहाँ पे पहचान नहीं पाते थे कि किसको, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था सेलेक्ट करने में। ठीक है, लेकिन इस अपडेट के बाद उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है और आसानी से गैप दे के नाम को रखा है ताकि यहाँ इजिली जो है आप किसी को भी यहाँ पे रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिवाइवर का जो नाम है वो चीज़ हमें अपडेट देखने को मिलेगा इस अपडेट के बाद। अपडेट नंबर एट में जो हमें देखने को मिला है वो कुछ प्लेसेस को रिनोवेट किया है। हालांकि ये अपडेट ने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे कंपेरिजन करके नहीं दिखाया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर वाले वीडियो में यहाँ पे ब्लॉक आफ्टर में दिख रहा है, वहाँ पे नहीं दिख रहा है। और कुछ यहाँ पुचिनॉक में देख सकते हो किस तरह से यहाँ है, पूरा यहाँ पे डिफरेंस वाले वीडियो मिल गया। इसीलिए मैंने सोचा कि जो लोग भी नहीं देखे हैं फिर से यहाँ पे दिखा दूँ किस तरह से यहाँ पे आपको टावर भी चेंजिंग देखने को मिला है। पहले यहाँ पे टावर कैसे रहते थे और अभी के समय यहाँ पे आप टावर देख सकते हो कि किस तरह से चेंज कर दिया है, बड़ा कर दिया है और भी अच्छा कर दिया है। ठीक है, हालाँकि इसमें कवर कम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली दोनों में डिफरेंस कि किस तरह से यहाँ पर दोनों को अलग किया है। ठीक है, अपडेट नंबर सेवन में जो हमें देखने को मिला है वो है यहाँ पर ऑटो लॉक। ठीक है, ऑटो जो एम होती थी ना, पहले मान लो किसी को नॉक करते थे तो जब हम दूसरे बंदे को सामने वाले को मारते थे ना तो ऑटो एम चला जाता था और नॉक वाले बंदे को, और ऐसे में हम मारे जाते थे। आप देख सकते हो यहाँ पे उस बंदे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और ऑटो एम जो है इस बंदे पे चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस अपडेट के बाद उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है और जिस पे यहाँ पे आप निशाना लगाएंगे उसी को गोली लगेगी, ऑटो एम लॉक नहीं होगा, नॉक वाले बंदे को नहीं लगेगा। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिया तो लोगों को यहाँ पे क्लैश स्क्वाड या फिर यहाँ पे रैंक में खेलने में दिक्कत नहीं होगी। अपडेट नंबर सिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे मैं कलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे, और साथ ही साथ एक और अपडेट देखने को मिला है कि जैसे यहाँ पे आप रनिंग करोगे ना, पहले यहाँ पे गन वगैरह नहीं चला सकते थे और रुक जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं से जंप करोगे या रनिंग होगे तो जैसे यहाँ पे मिली अपन चलाओगे गोली चलाएगा, रनिंग में भी होगा और फिर से यहाँ पे अपने आप दौड़ने लगोगे। तो ये चीज़ अच्छी करी है इस अपडेट के बाद। ठीक है, अपडेट नंबर 5 की बात करें तो वह हमें देखने को मिलेगा M187 एक्वा ब्रस्ट का एक गन स्किन। ठीक है, ये चीज़ हालांकि फ्री फायर में पहले ही आ चुका है, लेकिन हमें इस अपडेट के बाद हमें रिटर्न देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको टोकन टावर में देखने को मिल सकता है, या तो फिर जितने भी यहाँ पे M187 एक्वा वाला आया था ना वो सारा का सारा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें डबल रेंज दिया हुआ है, शॉर्ट गन का डबल रेंज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हेडशॉट लगता है, इसलिए ये चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा रेयर गन स्किन बन चुका है ये चारों M187 में। ठीक है, इसलिए ये चीज़ टोकन टावर में दे सकती है क्योंकि ये बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये वाले गन स्किन को निकाले। ठीक है, और इसमें आपको प्राइस लिस्ट में देख सकते हो और भी चीज़ें दे सकते, लेकिन टोकन टावर का जो इवेंट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन वहाँ पर कई बार ऐसा चांस होता है कि बहुत ही कम डायमंड में निकल जाता, तो जिसके पास भी पैसे हैं डायमंड है वो निकाल लेना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गन स्किन में से एक है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपके पास पहले से M187 गन स्किन है वही चलाना, अगर आपके पास नहीं है तो ही इसके तरफ जाना, लेकिन ये अपडेट के बाद हमें देखने को मिलेगा। अपडेट नंबर 4 की बात करें तो हमें यहाँ पे फिर से गोल्ड रॉयल का इवेंट दिया जाएगा, लक रॉयल दिया जाएगा, जहाँ पे कई सारे बंडल देखने को मिल सकते हैं। ये लीक्स एंड अपडेट देखने को मिला है जो OB39 अपडेट के बाद हमारे गेम में फिर से आने वाले, जिसमें और भी अच्छे अच्छे बंडल के साथ साथ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिया जा सकता है
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये फीमेल वाला बंडल आप देख सकते हो, ये चीज़ हमें बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये होली वाला इवेंट जो भी नहीं निकाले थे बंडल या फिर जो नए प्लेयर हैं उसके लिए अच्छी बात है कि ये चीज़ हमें गोल्ड रॉयल में दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी बंडल है। आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका नाम है प्रिज्मेटिक वॉरियर बंडल करके, और ये बंडल हमें होली में बिल्कुल फ्री देखने को मिला। उसके बाद एक और बंडल है जो कि फीमेल बंडल है, हिप हॉप गुरु करके यहाँ पे नाम है। हिप हॉप का तो टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे हिप हॉप गुरु करके यहाँ पे नाम है, हिप गुरु करके नाम है, जिसका टॉप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न लग रहा है ये ड्रेस देखने में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, ये भी बंडल यहाँ पे लक रॉयल में दिया जाएगा, साथ ही साथ टोपी और यहाँ पे स्कल मास्क का बंडल। तो इस वाले लक रॉयल में हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ दिया जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कितने सारे पेंट हैं। हालांकि ये 24 घंटे के लिए है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया जाएगा, जो अभी 39 अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलेगा। अपडेट नंबर थ्री की बात करें तो है हमारा डायमंड रॉयल। ठीक है, फ्री फायर में इस बार न्यू एवरग्रीन का डायमंड रॉयल 80-90% कंफर्म है कि ये ही बंडल आने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में एक फीमेल बंडल आया है और फिर से यहाँ पे फीमेल बंडल देने की इस बार चांस है, क्योंकि ये बहुत ही सारे सर्वर में दिया गया है और जब भी बहुत ही सारे सर्वर में दिया जाता है तो हमारे इंडियन सर्वर में भी आ जाता है। ठीक है, तो न्यू एवरग्रीन का बंडल यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ हमें डायमंड रॉयल में दिया जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसका चश्मा वगैरह अच्छा लग रहा है, हालांकि ड्रेस उतना खास नहीं है, पर यहाँ पे लुक और जो कलर टेक्सचर है ना, वो इस बंडल का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है देखने में, जिसके मदद से ये चीज़ हमें जो है OB39 अपडेट के बाद डायमंड रॉयल के थ्रू देखने को मिल सकता है। जिसके पास भी डायमंड है या फिर डायमंड रॉयल वाउचर है तो ये बंडल को जरूर निकालना, क्योंकि ये बंडल फीमेल वाले लोग बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, अपडेट नंबर टू की बात करें, आपको पता है कि हर बार हमारे गेम में जब भी ओबी का अपडेट आता है हमें यहाँ पे गोल्डन स्किन रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि जिसके पास भी नहीं होता है, जो भी नए प्लेयर रहते हैं वो चाहते हैं कि कोई ना कोई गन स्किन मिले। ठीक है, तो जब भी ओबी अपडेट का अपडेट आता है तो उस समय हमें कोई ना कोई गन स्किन देखने को मिलता है। तो इस बार यहाँ पे मिनी यूजीआई को दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मिनी यूजीआई का गोल्डन स्किन कुछ इस तरह से लगता है देखने में, जो कि इस अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलेगा, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि फ्री का स्किन मिले, तो इस बार भी हमें यहाँ पे गोल्डन मिनी यूजीआई का गन दिया जाएगा, जो बहुत सारे लोग इसको बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अपडेट नंबर वन की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो क्लैश स्क्वाड रैंक होता था उसमें यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टार मिलेगा, अगर 5 से 6 यहाँ पे अगर लगातार बूया किए ना, अगर आप मान लो 4 से 5 लगातार बूया करते जा रहे हो, ऐसे में एक स्टार आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा डायमंड के बाद भी। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, रोक दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से लाया गया है, जहाँ पे मान लो अगर आप 4 से 5 बूया लगातार करते हो तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलेगा आपको यहाँ पे स्टार। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही सारा इस बार रिवार्ड देखने को मिला है, जैसे यहाँ पे कुछ डैमेज कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे गोल्ड का FF कॉइन मिलेगा, साथ ही साथ अगर यहाँ पे कुछ बुया करोगे या पहली बार बुया करोगे तो रैंक टोकन भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे जितना गेम खेलोगे उतना ज्यादा यहाँ पे रिवार्ड आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक मैच अगर बुया करोगे तो यहाँ पे गोल्ड, और यहाँ पे अगर 3000 डैमेज दोगे तो यहाँ पे 15 रैंक टोकन दिया जाएगा CS में, और भी इसी तरह करके बहुत ही अच्छा अच्छा रिवार्ड देखने को मिला है, जो कि हमें इस अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस अपडेट में जितना गेम खेलोगे आप उतना ज्यादा यहाँ पे आपको रिवार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था गाइस फ्री फायर का और भी बड़े बड़े अपडेट। इन सारे अपडेट में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप इसी तरह का आपके बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो हमेशा मिलते रहती है, साथ ही साथ फैक्चुअल वाली वीडियो भी मिलती है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी जो अपडेट आएगी वो मिस कर दोगे अगर आप नहीं करोगे। ठीक है, साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक अगर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमसे बात करना चाहते हो तो वहाँ पर फॉलो कर लेना, और अगर आप क्रिकेट से इंटरेस्टेड हो तो सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे मैं IPL के रिलेटेड या फिर क्रिकेट के रिलेटेड यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो सारा का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।